इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिरर है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है, इसके एक्सिस पे एक पैराशूट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। जब उस पैराशूट की हाइट 15 मीटर है फ्रॉम द मिरर और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, उसी समय उस पैराशूट में बैठे हुए आदमी ने क्या करा, एक बॉल को रिलीज करा। और हमसे पूछा गया कि बॉल के रिलीज करने के 4 सेकंड बाद उस बॉल के इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, उस बॉल के इमेज की वेलोसिटी क्या होगी 4 सेकंड बाद। अब देखो, हम जानते हैं कि जैसे ही आदमी इस बॉल को रिलीज करेगा तो उस बॉल की वही वेलोसिटी होगी जो वो पैराशूट की है, जब वो रिलीज करेगा तब। तो इसने जैसे ही बॉल को रिलीज करा तो वेलोसिटी ऑफ बॉल वही है जो वो पैराशूट की है। अब हमें क्या करना है, 4 सेकंड बाद इस बॉल की नई पोजीशन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, जो कि होती है एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उसकी वेलोसिटी कितनी, 20 ऊपर की तरफ है, मतलब प्लस 20, तो 20 × 4 माइनस हाफ 10। माइनस इसलिए क्योंकि जी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, तो माइनस हाफ इंटू 10 × 4 का स्क्वायर। तो ये 2 से 10 को कैंसिल किया, 5 हो गया, 5 × 4 का स्क्वायर 16, 16 × 5 = 80, 20 × 4 = 80, 80 − 80, तो एच इक्वल टू कितना, 0। ओ हो, मतलब ये जो बॉल है घूम के वापस 4 सेकंड बाद इसी पॉइंट पे आ गई, 4 सेकंड बाद वो बॉल वापस से इसी पॉइंट पे आ गई। इसे मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये दोबारा से इसकी दूसरी पोजीशन है 4 सेकंड बाद, ब्लू वाली पोजीशन। अब देखते हैं कि 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी इक्वल टू यू प्लस जीटी। तो v इक्वल टू यू कितना, 20, जी की डायरेक्शन दोबारा से डाउनवर्ड, मतलब −10 × 4, तो 20 − 40 −20 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी 4 सेकंड बाद, −20 मीटर पर सेकेंड, मतलब डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये बॉल मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, तो 15 मीटर पे। इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी f इक्वल टू −10 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी ना। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ और इसका मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होती है, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v + 1/-15 = 1/-10, तो 1/v = क्या हो जाएगा, −1/10, और माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/15। तो 1/v = कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, −3 + 2 / 30, तो v = आ गया आपका −30। तो अगर मैं इसके मैग्निफिकेशन की बात करूं तो n = −v/u ना, तो v by u जैसे ही इसमें अगर हम पुट करेंगे माइनस का, −30 / −15, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी m = −2। और हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस का m² × वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो मुझे निकालनी है, मिरर रेस्ट में पड़ी हुई है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी, 0। मैग्निफिकेशन कितनी, −2 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, −20, और मिरर की वेलोसिटी 0। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हो गई −4 × −20, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी, +80 मीटर पर सेकेंड। +80 मीटर पर सेकेंड का मतलब है जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो ऊपर की तरफ जा रही है 80 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर ना,